लोगों ने ये कहा कि बस वही चीजें करती जाओ जो ज्यादातर लोग करती है। लोगों ने ये भी कहा है कि ज्यादा रिस्क मत लो। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, पर आपको तब ये कहना होगा कि नहीं, कभी भी नहीं। तब वो आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता। आपको ये याद रखना होगा, जो हर कोई कर सकता है वो कर आप बहुत दूर तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। आप उन लोगों से एडवाइस लेकर ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकते जिन्होंने अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं किया है। आप कभी भी महान नहीं बन सकते अगर आप सबके तरह काम करेंगे तो। सब लोगों के पास जो है उसे पाने के लिए सब लोग जो कर रहे हैं वो मत करो। अपने अलग और यूनिक रास्ता ढूंढो। महान चीजें उन लोगों के पास ही आती है जो महान एफर्ट लगाती है। उन लोगों के जीवन में ही मिरेकल होता है जो मिरेकल पर यकीन करती है। वो ही शख्स इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है जो ये मानती है कि दुनिया के हर एक चीज पॉसिबल है। अपने आप को उस ऊंचाइयां में लेकर चलो। बड़ा सोचो और बड़ा विश्वास रखो। आप बहुत दूर तक नहीं चल पाओगे अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो। आपके अंदर हमेशा से ज्यादा कुछ पाने का भूख होना होगा। आपको उस कल्पना के भी बियॉन्ड जाकर काम करना होगा जो आपने सोचा है। आपको मुश्किल समय का सामना करना ही होगा। इंसान के अंदर मजबूत मानसिक शक्ति आती है मुश्किल समय पे सरवाइव करने से ही। आपके दिल में एक ताकत होना होगा जो आपको बार बार हार मान लेने से रोकेगा। बार बार मुंह के बल गिरने के बाद भी आपके अंदर कमबैक करने की मानसिकता रखना होगा। और मेरी ये बात गौर से सुनो। आप कभी भी खुश नहीं होंगे उन सारे लोगों की जीवन को फॉलो कर जो अपने ही जीवन में खुश नहीं है। उन लोगों से सफलता की सलाह मत लो जो अपने ही जीवन में सफल नहीं है। जो लोग अपने सर्वोच्च पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे हैं, वो आपको जीने की क्या सलाह देंगे। अपने मन के अंदर हमेशा से अच्छे अच्छे चीजें भर कर रखो। आप बस वही चीजें सुनो और सीखो जो आपके जीवन के लिए चाहिए। आप कभी भी अपने भाग्य के दम पर वहां नहीं पहुंच सकते जहां पर आप जाना चाहते हो। आसान रास्ता कभी भी आपको वहां नहीं ले जा सकता जहां आप जाना चाहते हो। आप अगर वो नहीं चाहते जो सबके पास है तो फिर वो मत करो जो सब लोग कर रहे हैं। आप अगर स्वतंत्रता चाहते हो तो फिर भूल कर भी सेटल मत कर जाना। अपने लक्ष्य में इंटीग्रिटी लाओ। हमेशा से ज्यादा कुछ पाने के लिए आपको ज्यादा कुछ देना ही होगा। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने ऊपर 6 महीने के लिए काम करो और 6 महीने के लिए पूरी दुनिया से गायब हो जाओ। दुनिया के सारे तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर हट जाओ। उन सारे चीजों को छोड़ दो जो आपको आपके सपनों से दूर कर रहा है। आपके अगर बाकी में कोई भी सपने हैं तो फिर बस बैठकर मत रह जाओ। उठकर खड़े हो जाओ और अपने भाग्य को बदलने के लिए लड़ो। कुछ वक्त आपको बस एक्शन लेना होता है। आप बस उस चीजों के बारे में ही सोचो जो आपके जीवन को बेटर बनाने के लिए चाहिए और वो सारे चीजें करने के लिए साहसी बनो। अब इस वक्त आपको अपने आप से कहना होगा, अब और नहीं, मुझे अब एक्शन लेना ही होगा। आपको उन सारे चीजों से गिव अप करना होगा जो आपको आपके सपनों से दूर रखता है। आपको हर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को ना कहने की हिम्मत रखना होगा। आप आज उससे ज्यादा कड़ी मेहनत करो जो आपने पिछले दिन किए थे। आप बस हर किसी को गलत साबित करो। अपने आप को मजबूत इंसान के रूप में तैयार करो जो एक बेटर लाइफ डिजर्व करे। सब कुछ छोड़कर ऐसा कुछ करो जो आपके तकदीर को ही पलट कर रखते। ज्यादा बात करने से ज्यादा काम करने की कोशिश करो। अकेला ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ। अपने आप को समय दो। अपने बुरे आदतों को ना कहने की हिम्मत रखो। अपने आप से हमेशा से सच कहने की हिम्मत रखो। आपके जीवन में जो सपना पाना संभव है उससे बड़ा सपना पाने के लिए मेहनत करो। अपने अलग रास्ते से चलने का साहस रखो चाहे उसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकाना पड़े। बाहर के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर बस अपने ऊपर काम करो। आप एक अलग जीवन के लिए बाकी में कैपेबल हो। अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं अपने जीवन से बाकी में खुश हूँ। अगर जवाब ना है तो फिर अपने ऊपर काम करो। जो लोग अपने सपनों के लिए संघर्ष करते जाते हैं वही लोग उस जीवन को पा लेती है जो वो चाहती है। आपको खुद को बदलने के लिए क्या करना होगा। आपको अपने जीवन में सफल बनने के लिए
अपने पैशन को फॉलो करते जाना होगा। आपके पास अगर पैशन होगा तो फिर परिस्थिति चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप बस चलते चले जाओगे। आपके पैशन को ही अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। आपके सामने चाहे जितनी भी बाधाएं आए, आप अपने पैशन के दम पर ही आगे चलते जाओगे। आप अपने लक्ष्य को जितना ज्यादा मीनिंग देते जाओगे तो फिर आप अपने लक्ष्य से उतना ही ज्यादा जुड़ते चले जाओगे। सफलता की राहों में आपके बार बार हारना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जितनी भी बार नीचे गिरोगे उतनी ही बार बस नया कुछ सीखते चले जाओगे। हार का मतलब बस हार नहीं होता, हार का मतलब एक नया सीख होता है। आपको खुद को ग्रो करने के लिए नया कुछ करना ही होगा। आपके कॉम्फर्ट जोन से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। आपको अपने अंदर पैशन के साथ साथ धैर्य भी रखना होगा। ज्यादातर लोग अपने पैशन के ऊपर दो दिन काम करने के बाद ही सब कुछ चाहते हैं, पर ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होने वाला। आपको धैर्य को हर वक्त बरकरार रखना होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर जो इंसान को बड़ा बनाता है वो है उनके खुद के ऊपर विश्वास। विश्वास एक ऐसा ताकतवर चीज है जिसके मदद से इंसान पहाड़ हिला सकता है। आपको अपने काम पर अपने आत्मा को पूरी तरीके से झिंझोर देना होगा। ज्यादातर लोग सफल लोगों को देखकर ये कहती है, उफ, अरे ये तो रातों रात सफल बन गया है। पर हमेशा से याद रखना, हर एक रातों रात खड़े हुए सफलता में मिनिमम 5 साल का मेहनत जरूरी होता है। आप अगर लंबे समय तक काम कर रहे हो पर आपको फल नहीं मिला है, तो फिर आपसे मेरी ये सलाह है कि बस काम करते जाओ। कुछ महीने में ही बस फल की इच्छा मत रखो। जब आप सालों से अपने लक्ष्य को पीछा करते जाओगे, आप बस यही कोशिशें करो कि आप कैसे अपना एक्सपीरियंस और स्किल्स को डेवलप करोगे। ये बात हमेशा से याद रखना, बड़ी चीजें होने में बड़ा समय जरूर लगता है। आपको बस अपने फील्ड के दानव बनने में ही गौर करना होगा। और इसीलिए आप अपना एक रूटीन बनाओ और अपने काम पर डिसिप्लिन रहो। आपके रूटीन और डिसिप्लिन ही आपको आगे लेकर जाएगा। आपके टैलेंट आपको ज्यादा दूर तक कभी भी नहीं ले जा सकता। आपके डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा।